तो देखिए, हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा हम बताते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, इन्होंने क्या कहा हम बताते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक क्या संभावना है, ठीक है, आपको बताना है वंस डिजिट के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में इन्होंने फोर्थ पार्ट दिए हैं, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम बता देते हैं यहाँ पे संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक कौन कौन सा होता है। शून्य, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। फिर से बता देते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। यानी हम लिखेंगे, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर आर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 9801। तो यूनिट्स में क्या है, एक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यूनिट में 1 लिखेंगे। सेकंड में क्या इन्होंने दिया, यूनिट में क्या है, 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। थर्ड में इन्होंने क्या दिया, 1 दिया है यूनिट में, तो हम 1 लिखेंगे। और फोर्थ में इन्होंने क्या दिया है, 5 है यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। बस हमारा आंसर यही होगा। तो चलिए हम लिखकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हम डायरेक्ट शो करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। और यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर द पॉसिबल यूनिट्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर। बस आपको यही लिखना है। अब हिंदी मीडियम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इसलिए दी गई संख्याओं में संभावित इकाई का अंक निम्नलिखित होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पार्ट। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 9801। तो यूनिट में क्या है, 1 है, यानी इकाई में क्या है, 1 है, तो हम 1 ही यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम अभी लिखवाए हैं, संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक कौन कौन सा होता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिट्स में इन्होंने क्या दिया, 1 दिया है, और यहाँ पर भी हमने लिखा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर 1। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में इन्होंने यूनिट्स में क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने लिखा है यूनिट्स में क्या है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में यहाँ इन्होंने यूनिट्स में क्या दिया, 1 दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यूनिट्स में क्या लिखवाया, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने क्या दिया, यूनिट्स में 5 दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या लिखवाया, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। बस ये हमारा फाइनली आंसर होगा। बस आप इतना लर्न कर लेंगे तो समझिए, ये स्क्वायर आपको सॉल्व हो जाएगा। यानी इतना आप लर्न कर लिए, यानी सिंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर आर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होता है, तो समझिए आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।